आलू भाई पंकज की बॉल का सामना करेंगे और बॉल जारी, बॉल बाकी मन्नत के लिए बोबी, और बोबी ने मन्नत ने, और जी हाँ बॉल जारी है कमेटी के पास भाई, कालू भाई के लिए वेट करके मार दिया है, बॉल जारी है काफी ज्यादा दूर बाकी, और शानदार कैच कालू भाई द्वारा, और विकेट के बाद फिर तैयार बोला, और एक और विकेट बिट्टू को मिलता हुआ, और दूसरा मुकाबले की टॉस होती हुई पाली वर्सेस सैतली के बीच सुपर सेवन क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा मुकाबला होता हुआ, टॉस के लिए तैयार है कालू भाई और विकास भी तैयार है, और टॉस उछल चुकी है तो सैतली टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की जिम्मेवारी लेती हुई, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करेगी सैतली की टीम, और बल्लेबाजी के लिए तैयार है पाली की टीम टॉस हारकर। टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला शुरू होता हुआ आकाश डेडा और कालू भाई और पंकज उर्फ डैनी पहली बॉल और एक रन लेने में कामयाब हो जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, पाली का खाता खुलता और आकाश डेडा का भी, और बल्लेबाजी पर आ चुके हैं कालू भाई, पंकज की बॉल का सामना करेंगे और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, काफी लंबा छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ है पहला छक्का दूध पहली बॉल पर आते ही, तीसरी बॉल लेकर तैयार पंकज उर्फ डैनी, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार फुल टॉस बॉल बैक ऑफ द हैंड बॉल एक बॉन बाउंस बाउंड्री के बाहर चार रन कालू भाई के बल्ले से पहला चौका, चौथी बॉल लेकर तैयार डैनी भाई कालू भाई के लिए वेट करके मार दिया है बॉल जा रही है काफी ज्यादा दूर, और कमेटी का इशारा देखेंगे क्या होगा, छह रन कालू भाई फ्रॉम पाली को भी चीता ही कह देते हैं, काफी लंबा छक्का और एक और छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ काफी ज्यादा दूर, काफी ज्यादा दूर इस ओवर में तीसरा छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ, और ये बॉल हो जाएगी डॉट, तीन छक्के एक चौका और एक वाइड और एक सिंगल के साथ स्कोर में आए 24 रन पाली का स्कोर एक ओवर में 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर, और अब दूसरा ओवर लेकर तैयार है बोबी और बल्लेबाजी पर है आकाश, क्या लगा पाएंगे लंबे हिट आकाश डेडा, बोबी तैयार और डॉट बॉल पहली बॉल डॉट दूसरे ओवर की, फिर तैयार दूसरी बॉल लेकर और एक और डॉट बॉल शानदार गेंदबाजी करते हुए बोबी, तीसरी बॉल लेकर तैयार बोबी आकाश के लिए, और उसको वेट करके मार दिया है बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर वन बाउंस बाउंड्री के बाहर चार रन, चौथी बॉल लेकर तैयार और एक रन और कैच छूट जाएगी, और अब कालू भाई तैयार तीन छक्का और एक चौके के साथ बल्लेबाजी करते हुए, पांचवी बॉल लेकर तैयार बोबी और बॉल डॉट दूसरे ओवर की अंतिम बॉल लेकर तैयार बोबी, अभी तक 5 रन खर्च करे हैं, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर नहीं, शानदार फील्डिंग वहां पर और एक रन, इस ओवर में मात्र 6 रन आए और 30 रन हो जाएगा पाली का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर, और बॉल उड़ जाएगी हवा में और डैनी भाई अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार पहली बॉल पर 2 रन, दूसरी बॉल लेकर तैयार डैनी भाई कालू भाई के लिए, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर चौथा छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ है शानदार छक्का कालू भाई का है चौथा छक्का, छक्के के बाद फिर तैयार डैनी भाई और कालू भाई, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर एक और छक्का काफी लंबा छक्का इस ग्राउंड का पार, ये पांचवा छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ, चौथी बॉल लेकर तैयार काफी अच्छी बॉल और एम्पायर का इशारा डॉट बॉल, पांचवी बॉल फुल टॉस बॉल क्या लगता है, और एम्पायर का इशारा देखेंगे क्या होगा, एक और छक्का छठा छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ, माफ कीजिए ये 4 रन है, और फिर तैयार अंतिम बॉल लेकर तैयार डैनी भाई, और ब्लॉक होल में बॉल थी फील्डर है मौजूद शानदार फील्डिंग है फट वहां पर, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज,
तीन ओवर की समाप्ति के बाद पाली का स्कोर हो जाएगा 50 रन बिना विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए कालू भाई 2 छक्के 5 छक्के और 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी करते हुए। और अब से एथली की तरफ से बॉलिंग करेंगे विमांचल, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। बॉल लेकर तैयार आकाश डेढ़ा भी तैयार। विमांचल की पहली बॉल और वाइड बॉल, वाइड के बाद तैयार विमांचल। आकाश डेढ़ा के लिए वेट करके मार दिया है बॉल को, एक ही रन लेने में कामयाब होंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अब आ चुके कालू भाई 5 छक्के लगाकर बल्लेबाजी करते हुए। बाई के रूप में भी रन मिलेगा और वाइड के रूप में भी। और बॉल हवा में उड़ जाएगी, फील्डर उसके नीचे कोई है या नहीं, काफी ज्यादा रनिंग बॉल जा रही है बाउंड्रीज, कोई नहीं पकड़ पाएगा इस बॉल को। और 2 रन और, अगली बॉल लेकर तैयार एक और वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार आकाश। और लेकिन बॉल कैच, शानदार फील्डिंग का एफर्ट लेकिन कैच छोड़ देंगे। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विमांचल, कालू भाई के लिए फिर तैयार विमांचल। और बल्ला कहीं, बॉल कहीं, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ये छठा छक्का कालू भाई के बल्ले से निकलता हुआ, चीता ही कह देते कालू। फिर तैयार और एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 7वां छक्का और ये अब तक का सबसे लंबा भी छक्का इसको कह सकते। कालू भाई वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करते हुए एक तरफा ही मुकाबले को पाली की टीम पर टूट पड़े हैं कालू भाई। और बॉल जा रही है बाउंड्री के, और आकाश ने भी पहली बॉल पर आते ही काफी ज्यादा लंबा छक्का नहर के पार मार दिया है आकाश जेडा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन था स्कोर, पहली बॉल पर ही शानदार छक्का लगा दिया, स्कोर हो जाएगा 82 रन। वो भी जो कि पहले ओवर में मात्र 6 ही रन खर्च करे थे। दूसरी बॉल वो भी, और काफी अच्छी बॉल, और बॉल हो जाएगी डॉट। तीसरी बॉल लेकर तैयार वो भी, और बॉल हवा में उड़ जाएगी, फील्डर है वहां पर विकास तेवतिया, और शानदार कैच बोबी को भी चीता ही कह देते। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बोबी छक्के के बाद वापसी करते हुए, और आउट हो जाएंगे आकाश डेढ़ा। आकाश डेढ़ा के बाद आउट होने के बाद आ चुके हैं मन्नत, मन्नत करेंगे बल्लेबाजी। बोबी की चौथी बॉल का सामना करेंगे बोबी, जो कि एक विकेट ले चुके, शानदार गेंदबाजी करते हुए। और डॉट बॉल, डॉट बॉल के बाद फिर तैयार मन्नत बोबी, वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार बोबी, काफी अच्छी बॉल, और फील्डर है मौजूद, क्या बॉल को रोक पाएगा, और शानदार फील्डिंग वहां पर, 2 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे मन्नत और कालू भाई। और अंतिम बॉल बाकी मन्नत के लिए बोबी, और बोबी ने, मन्नत ने भी उठा दिया है बॉल, जा रही है बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएगा कोई, शानदार छक्का मन्नत के बल्ले से निकलता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन हो जाएगा पाली का स्कोर। अंतिम ओवर बाकी इस मुकाबले का, 8 छक्के लगाकर बल्लेबाजी करते हुए कालू भाई। और अंतिम 6 बॉलों पर कितने छक्के लगा पाएंगे। और फुल टॉस, लो फुल टॉस, फील्डर है मौजूद लेकिन नहीं पकड़ पाएगा, ब्रह्माउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दूसरी बॉल लेकर तैयार कालू भाई के लिए, काफी अच्छी बॉल, क्या 2 रन लेंगे, और जी हाँ 2 रन की कोशिश, फील्डर बॉल को फील्ड करेंगे, इतने 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए विमांचल, कालू भाई फिर तैयार, और हवा में उड़ जाएगी बॉल, फील्डर उसके नीचे धर्म गुजर, क्या बॉल को पकड़ पाएंगे। और जी हाँ, शानदार गेंदबाजी करते हुए विमांचल को भी चीता ही कह देते, और कालू भाई ने शानदार 8 छक्के लगाए एक मुकाबले में, शानदार छक्के। और कालू भाई के आउट होने के बाद अब आ चुके सुमित भाटी, 3 बॉलों पर क्या लगा पाएंगे 6। विमांचल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए ब्लॉक होल से शानदार वापसी, सुमित भाटी तैयार। और बॉल जा रही है बॉन्ड, धर्म गुजर बॉल को पकड़ेंगे, और 1 रन और, अंतिम 2 बॉल बाकी, मन्नत तैयार, और वेट करके बॉल को मार दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का, काफी लंबा छक्का मन्नत के बल्ले से, बैक टू बैक 2-6। स्कोर हो जाएगा 103 रन, और अंतिम बॉल बाकी, और रन आउट के रूप में विकेट गिर जाएगा। 103 रन बनाने में कामयाब रही
पाली की टीम 104 रन की जरूरत सैतली की टीम को मुकाबले को जीतने के लिए, और काफी शानदार बल्लेबाजी करी कालू भाई ने, 8 छक्के और 3 चौके लगाए, बेहतरीन बल्लेबाजी एक तरफाई मुकाबले को कर दिया। सैतली देखो क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी, टूट पड़े सैतली पर का 104 रन की जरूरत है सैतली को इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफी ज्यादा निराशाजनक गेंदबाजी करी है पंकज भाई उर्फ डैनी ने, जो कि काफी गेंदबाजी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाए अच्छी गेंदबाजी। और इस मुकाबले को जीतने के लिए सैतली को 104 रन की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। क्या बना पाएगी सैतली या फिर बचा पाएगी पाली की टीम, वीडियो में बने रहिए। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार है सैतली की टीम, 104 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। क्या सैतली बना पाएगी 6 ओवर में 104 रन? सुपर 7 क्रिकेट टूर्नामेंट लोहारली में खेला जाता हुआ दूसरा मुकाबला, 104 रन का लक्ष्य है। पाली वर्सेस सैतली के बीच मुकाबला चलता हुआ। बल्लेबाजी पर आ चुके हैं विकास देवतिया और नॉन स्ट्राइक पर है धर्मू गुजर, और पाली की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी लेंगे आकाश डेडा और अक्की गुजर करेंगे गेंदबाजी। वो लेकर तैयार आकाश और वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार, काफी बेहतरीन गेंदबाजी और डॉट बॉल, डॉट के बाद फिर तैयार और काफी अच्छी बॉल और एक और डॉट बॉल, तीसरी बॉल और एक और डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी आकाश डेडा द्वारा। चौथी बॉल लेकर तैयार और हवा में उड़ जाएगी बॉल, उसके नीचे कालू भाई, और जी हाँ शानदार गेंदबाजी आकाश डेडा फ्रॉम पाली को भी चीता ही कह देते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, और पहला विकेट मात्र 1 रन पर गिर जाएगा सैतली का। और अब नए बल्लेबाज रिंकू भाई, पहली बॉल और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 2 रन 1 विकेट। स्ट्राइक पर आ चुके हैं धर्मू गुजर, क्या कम कर पाएंगे कमाल, नहीं आएगी बॉल समझ में, ओवर हो जाएगा समाप्त। एक बॉल की, एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की जिम्मेवारी लेंगे अब सुमित भाटी, पहली बॉल और काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का सारा बाउंस बॉल। दूसरी बॉल लेकर तैयार, 102 रन की जो लक्ष्य 5 ओवर में प्राप्त करने की जरूरत, काफी अच्छी बॉल और बॉल 1 ही रन और हो जाएगा। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब धर्मी गुजर, क्या लगा पाएंगे हिट, और जी हाँ बॉल जा रही है कमेटी के पास, शानदार छक्का धर्मी गुजर के बल्ले से निकलता हुआ है पहला छक्का, स्कोर हो जाएगा 9 रन। चौथी बॉल लेकर तैयार सुमित भाटी, काफी अच्छी बॉल और 1 ही रन लेंगे। पांचवी बॉल लेकर तैयार और बेहतरीन शॉट, वन बाउंस टू बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अंतिम बॉल बाकी और शानदार कैच कालू भाई द्वारा और विकेट लेते हुए सुमित भाटी, और दूसरा विकेट हो जाएगा 14 रन के स्कोर पर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट 14 रन सैतली का स्कोर। तीसरा ओवर लेकर तैयार आकाश डेडा और बॉल हो जाएगी डॉट, दूसरी बॉल और वाइड बॉल, लक्ष्य अब नामुमकिन सा नजर आता हुआ अब सैतली की टीम को। क्या गेम चेंजर साबित होंगे धर्मू गुजर, वाइड के बाद फिर तैयार और बॉल का इंतजार करके फील्डर है मौजूद, 1 ही रन और। अब बल्लेबाजी पर आ जाएंगे डैनी भाई और शानदार शॉट, फील्डर है उसके नीचे सुमित, और शानदार कैच और हो जाएगा एक और विकेट सैतली का। और अब बल्लेबाजी पर आ चुके हैं सौरभ और आकाश डेडा, वाइड बॉल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, वाइड के बाद फिर तैयार आकाश और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 4 रन, माफ कीजिए 2 ही रन होंगे, 4 रन ले लेंगे रनिंग के भक्कर पूरे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन रन आउट होने का पूरा मौका था। आकाश डेडा बॉलिंग के लिए तैयार, शानदार गेंदबाजी करते हुए सौरभ, वाइड बॉल के बाद फिर तैयार और काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल, बॉल के बाद फिर तैयार, नहीं आ रही है समझ में, ओवर हो जाएगा समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आकाश डेडा ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है।
तीन ओवर में हो जाएगा 22 रन स्कोर से एथली का, और अब तो लक्ष्य नामुमकिन नजर आ रहा है। 82 रन की जरूरत तीन ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए से एथली को। क्या धर्मो गुजर अपनी टीम को सम्मान दिला पाएंगे या फिर मुकाबले को काफी ज्यादा रनों के अंतर से हार पाएंगे। पाली की तरफ से अब चौथा ओवर लेकर तैयार युवा गेंदबाज बिट्टू, पहली बॉल लेकर तैयार धर्म गुजर के लिए, और काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल। दूसरी बॉल लेकर तैयार बिट्टू धर्म के लिए, और पटकी हुई बॉल, उसका वही अंजाम करेंगे धर्म गुजर। बॉल जा रही है काफी ज्यादा दूर, ये दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, बॉल्ड कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी बिट्टू फ्रॉम सैथली को भी, चीता है पाली को चीता ही कह देते, वापसी करते हुए और विकेट दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। डॉट बॉल के बाद फिर तैयार बॉलर, और एक और विकेट बिट्टू को मिलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, एक ही ओवर में दो विकेट निकालते हुए लगभग सैथली इस मुकाबले को बुरी तरह हार चुकी है, और अंतिम विकेट बाकी, अब इस मुकाबले में बाकी है। 30 रन हुआ है अभी स्कोर, और अब अंतिम विकेट बाकी। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ चुके हैं बल्लेबाज, और काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए बिट्टू। अभी बहुत ज्यादा रनों की जरूरत, 74 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। काफी अच्छी बॉल, और एम्पायर का इशारा, इसमें क्या होगा और यहाँ पर आउट है या नहीं उसकी जांच जरूर होगी। और अब राजेश भाई करेंगे गेंदबाजी, दो ओवर बाकी, 74-75 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफा ही हो चुका है मुकाबला। राजेश भाई तैयार, और बॉल हवा में उड़ जाएगी, उसके नीचे है कालू भाई, सारी तरफ घूम जाएंगे लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, और एक रन। दूसरी बॉल लेकर तैयार, और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद वहां पर, और शानदार कैच, और इसी के साथ ऑल आउट हो जाएगी सैथली की टीम, और 74-75 से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाती दिखती है, और 75 रन से जीतने में कामयाब हो जाएगी पाली की टीम। बेहतरीन बल्लेबाजी करी कालू भाई, हाँ आउट, और बेहतरीन बल्लेबाजी करी है कालू भाई ने, और शानदार गेंदबाजी करी युवा गेंदबाज बिट्टू ने। दे दूंगा मैं इस बाबे भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, इन पर से लिख किसी पर, और मुकाबला हो जाएगा समाप्त। 75 रन से जीतने में कामयाब रही टीम, से पाली की टीम 75 रन से, हाँ भेज दूंगा मैं, और मुकाबला हो जाएगा समाप्त। काफी ज्यादा एक तरफा ही मुकाबला हो गया बॉलिंग में भी और बैटिंग में। पाली की टीम 75 रन से जीतने में कामयाब रही, और कालू भाई इस मैच के मैन ऑफ द मैच, जो कि 8 छक्के लगाए मुकाबले में, शानदार बल्लेबाजी करी, और पाली की टीम एक तरफा मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। सैथली की टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई इस मुकाबले में।